हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑफलाइन मोड किस तरीके से आपका कंडक्ट किया जाएगा। मैं आपको ओएमआर शीट में जो आपकी ओरिजिनल ओएमआर शीट है यूजीसी नेट की उसको ओपन करके समझाऊंगा किस तरीके से आपको फिल करना होगा, क्या और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है उस 3 घंटे एग्जाम में और किन किन चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कंप्लीट प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे आपको डेली शाम को 8 बजे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ जो कि यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड है। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। डेली शाम को 8 बजे आती है क्लास इसी चैनल पर, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा सो मेक श्योर आप इन क्लासेस को देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले वाली प्लेलिस्ट ये इसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली आपके जो करंट अफेयर्स वो यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड फ्यूचर में भी आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। ओके तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर रखी है ये यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर आंसर की है, मतलब आंसर की तो खैर नहीं, ओएमआर शीट है जिसपे आप आंसर फिल करेंगे। सो गाइस देखो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आपको एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंचना है, 30 मिनट मिनिमम 30 मिनट। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम जो होगा वो मॉर्निंग में 9 से 12 और शाम को 3 से 6 का टाइमिंग होगा। वैसे तो आपके एडमिट कार्ड पर टाइम मेंशन होगा किस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट होगा, उसी टाइम पे आपको जाना है। मेक श्योर आप एडमिट कार्ड पर टाइम जरूर चेक करें, आपका एडमिट कार्ड एक बार आएगा तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से। जहां तक मुझे लगता है ऐसा कि 9 से 12 शाम को 3 से 6 दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी मॉर्निंग में शिफ्ट हुई तो आपको 8:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है, और अगर 3 से 6 वाली शिफ्ट हुई तो 2:30 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। क्योंकि वहां पर जाने के बाद एक तो आपकी चेकिंग होती है, उस चेकिंग में टाइम लगता है, चेकिंग होने में आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाएगा गेट पर ही। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ आपको रखनी है अपने पास, वो फोटोग्राफ आपके अंदर यूज होती हैं। इसके अलावा अंदर जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन अब इस वैसे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता था अभी तक, बट इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा तो मे भी शायद इस बार रजिस्टर पर मेंटेन किया जाए, देखते हैं क्या रहता है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है काफी दिनों बाद। तो रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं, आपसे एक फोटो ली जाती है और हो सकता है कि आपकी फोटो भी क्लिक की जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके टाइम से पहले पहुंचना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको एक्स्ट्रा पेन लेकर के जाने हैं, और पेन कौन से होने चाहिए, ओनली बॉल पेन होने चाहिए, जेल पेन लेके मत जाना, ओनली बॉल पेन लेके जाना, ब्लैक एंड ब्लू कोई सा भी लेके जा सकते हो, वैसे ब्लैक ज़्यादा बेटर है और ब्लू भी कैरी करें आप, एक ब्लैक एक ब्लू पेन लेके जाएं और प्लस आप एक्स्ट्रा एक दो पेन रख लें। एक पेंसिल भी लेके जा सकते हो क्योंकि पेंसिल का यूज भी होगा जब आप, वैसे एग्जाम इस शीट में तो कोई यूज नहीं है पेंसिल का, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखोगे कुछ एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए तो वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो पेंसिल से। वैसे पेन का यूज भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वैसे पेंसिल आप एक रख लें ज्यादा बेटर है, हो सकता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी कोई यूज हो जाए वहां पर। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, और पानी की बोतल आप घर से लेके जाओ ज्यादा बेटर है बिकॉज बीच में कोई भी गैप नहीं है, 3 घंटे का एग्जाम है, बीच में कोई भी किसी भी तरह का गैप नहीं मिलेगा तो उठ करके बाहर पानी पीने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अपने घर से पानी की बोतल लेकर के जाएं, और मेक श्योर आप जो पानी की बोतल हो वो ट्रांसपेरेंट बोतल हो, ऐसा ना हो कि कंप्लीट प्लास्टिक या फिर वैसे स्टील की बोतल नहीं आती उस तरह की बोतल अवॉइड करें, प्लास्टिक की बोतल लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाएं वो ज़्यादा बेटर है, तो उसकी चेकिंग इतनी डिटेल में नहीं होगी। ओके अब देखो मैं बता दूं ओएमआर शीट में क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इस कंप्लीट ओएमआर शीट को बॉल पेन से फिल करना है। याद रखें कभी भी इस शीट में जेल पेन का यूज ना करें, गलती से भी बॉल पेन का ही यूज करना है पहली चीज। दूसरी चीज कि किस कलर का यूज करें, तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक दोनों का यूज कर सकते हो, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आप ब्लैक या ब्लू दोनों का यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए। गाइज एक बार मैं आपको पूरी शीट दिखा देता हूँ। देखो 2 शीट मिलेंगी आपको, एक तो शीट ये मिलेगी ऊपर वाली जो कि ओरिजिनल है रेड कलर की होगी, इसके अलावा एक शीट मिलेगी नीचे जो कि ग्रीन कलर की होगी, ये आपकी डुप्लीकेट होगी और कैंडिडेट इसको घर ले जा सकते हैं। अब ये दोनों आपस में चिपकी हुई होंगी, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, दोनों आपस में चिपकी हुई होंगी, एग्जाम एंड होने के बाद इसको अलग किया जाएगा। जो ओरिजिनल होगी रेड कलर की वो आपकी सबमिट हो जाएगी, जो ग्रीन कलर की ये आपको मिल जाएगी,
और जब आप ओरिजिनल वाले पे अपने आंसर मार्क करेंगे ना, जैसे ही बॉक्स आप फिल करेंगे यहाँ पर, तो ये जो बॉक्स का इंप्रेशन है वो इस ग्रीन वाले पे भी पड़ जाएगा, मतलब कार्बन कॉपी होगा और नीचे वाली शीट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। सो इस वाली शीट को आप घर लेकर के आ सकते हो, और जब आपकी आंसर की आएंगी देन उसके उस टाइम पर ये जो आंसर जो आप ये शीट लेकर के आओगे घर, तब वहां पर मैच करने में आपकी काफी हेल्प करेगी शीट। तो ये शीट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको खोना नहीं है घर आकर के, और बाहर निकल के फाड़ मत देना इसको, इसको संभाल के रखना है। जब आपकी आंसर की आएंगे, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तब ये शीट आपके बहुत काम आएगी उस टाइम पर आपके आंसर को मैच करने में, ठीक है। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इस शीट को अलग नहीं करना स्टार्टिंग में, ये एग्जाम के एंड में अलग करना है, इंडिविजुअली आपको समझाने के वहां पर। वैसे मैं बता दूं कि इस जो यहाँ पर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है, हो सकता है कि कुछ नए वर्ड लिखे हो यहाँ पर, ऐसा इस वजह से बिकॉज काफी टाइम बाद एग्जाम कंडक्ट होगा ऑफलाइन मोड में, तो हो सकता है कुछ नए बॉक्सेस डाल दिए जाए। तो आप इसको किस तरीके से फिल करना होगा मैं आपको इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी ओएमआर शीट में आपको फिल करने हैं नेम वगैरह, सबके सब कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपका नाम मोहन है तो आप ऐसे लिख रहे हो MOH, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए MOH, एकदम अलग अलग साफ साफ क्लियर होना चाहिए। और याद रखना, गलती से भी एक भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज ये ओएमआर शीट आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होती है, आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। और आपने गलती से गलत फिल कर दिया तो आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं दी जाएगी, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसलिए आराम से तसल्ली से फिल करें, कोई मिस्टेक ना करें। इसके अलावा दूसरी चीज की, जो आप यहाँ पर बॉक्स फिल करेंगे, जो आपके सर्कल यहाँ फिल होंगे, इसमें कहीं पर भी आप डबल फिल नहीं करना है। मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, समझाता हूँ एक एक करके। सो यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक पेन बॉल पेन पेन बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। इसके अलावा प्लीज डार्कन द ओवल कम्प्लीटली, आपको यहाँ पर जो सर्कल है कंप्लीट फिल करना है, जैसे ABCD में ये वाला ऑप्शन राइट है तो कंप्लीट सर्कल फिल करना है, ऐसे नहीं कि सी ऑप्शन है तो आपने इतना कर दिया बस, नहीं पूरा फिल करना है, ऐसे करके सर्कल करना है पूरा। इसके अलावा वंस मार्क नो चेंजेस आंसर इज अलाउड, मतलब एक बार आपने मार्क कर दिया तो आंसर अब चेंज नहीं कर सकते आप, ना ही आप वहां पर दूसरे ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन ही आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा, और ना ही वहां पे आप किसी भी तरह को इसको इरेज कर सकते हो, ना ही आप इसको फ्लूड होता है ना, फ्लूड लगा को बच्चे कुछ बच्चे फ्लूड लेके जाते हैं, तो फ्लूड इज प्रोहिबिटेड, फ्लूड का यूज नहीं करना है, ना ही इसको स्क्रैच करना है, मतलब एक बार आंसर मार्क कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने स्क्रैच किया या फ्लूट लगा दिया तो वो अनफेयर मीन्स में आ जाएगा, मतलब इसको चीटिंग माना जाएगा, आपका पेपर नहीं चेक किया जाएगा, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक बार अगर गलत फील कर दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो क्वेश्चन गया अब आपके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है ना, वंस मार्क नो चेंजेस अलाउड, प्लीज डो नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन दी ओएमआर शीट, मतलब आपको कुछ भी अलग से ऐसे कटिंग वटिंग नहीं करनी, पेन से कोई भी अलग से मार्क नहीं लगाने हैं, फोल्ड भी नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है अपनी ओएमआर शीट को, नहीं तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। बाकी मैंने बता दिया कि फ्लूड वगैरह का यूज नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ओएमआर शीट इज मैंडेटरी, तो आपको सिग्नेचर करने हैं, आपके मैंडेटरी सिग्नेचर है, अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा सिग्नेचर कहाँ करने हैं अभी। द कैंडिडेट इज अलाउड टू कैरी डुप्लीकेट कॉपी, तो जो डुप्लीकेट कॉपी है ग्रीन कलर की वो अपने घर लेके जा सकते हो, ऐसे लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियरली मेंशन है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला बॉक्स है कैंडिडेट विद इन द बॉक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको अपने साइन करने, इस जगह पर, इस प्रॉपर जगह पे आपके साइन होने चाहिए, यहाँ पे जो भी इनविजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। तो ये सिग्नेचर दोनों ही कंपलसरी है, आपके भी और आपके आपके इन्विजिलेटर के भी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर वन के भी आंसर यहीं पे आपको फिल करने हैं, पेपर टू के भी आंसर यहीं पे फिल करने हैं, कोई अलग से आपको ओएमआर शीट नहीं दी जाएगी, इसी में करने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये आपको ओएमआर इस तरीके से फिल करनी है। बाकी जो मैं आपको बता दूं, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट है, ओएमआर शीट नंबर पहले से यहाँ पे लिखा होगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसके अलावा नेम ऑफ कैंडिडेट होगा यहाँ पर, नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका नेम आएगा, जैसे मोहन है तो MOHAN, अलग अलग इस तरीके से लिखना है आपको बड़े बड़े कैपिटल लेटर में। सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया, जैसे सपोज करो आपने अगर कॉमर्स में अप्लाई किया तो आपको ऐसे लिखना है COM, इस तरीके से कंप्लीट आपको यहाँ पर फिल करना है, MMM, उसके बाद ERC, इस तरीके से आपको अलग अलग साफ साफ क्लियर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर में सपोज करो आपके रोल यहाँ पर आप देखेंगे डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, तो आपके 8 के 8 डिजिट यहाँ पे आने चाहिए। सपोज करो आपके रोल नंबर में 5 डिजिट है, जैसे आपका रोल नंबर है 5 4 3 2 1, इस तरीके से, तो अब यहाँ से उल्टा लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 1
5 और आगे वाले में लिखना है 0 0 0, इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो आपका कंप्लीट इस तरीके से फिल हो जाएगा। सब्जेक्ट कोड अगर आपका सपोज कोड 16 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1616। सपोज कोड आपका सब्जेक्ट कोड 8 है, 8 है सब्जेक्ट कोड, क्योंकि कॉमर्स का 8 होता है, तो आपको 08 लिखना है आपको यहाँ पर, 0 फिर 8, इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर जो भी आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है आपको उस तरीके से फिल करनी है, आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो जो बॉक्स होगी, क्योंकि देखो काफी एग्जाम काफी दिनों बाद हो रहा है, तो ये म्यूजिक वगैरह तो आई थिंक वहाँ पे नहीं होगा। और देखते हैं कि क्या बॉक्सेस रहते हैं इस बार, क्योंकि 2014 की मैं आपको दिखा रहा हूँ एमआरसी, जो एमआरसी यूजीसी नेट की ही है, तो ये आपकी ऑफिशियल आंसर ओएमआरसी जिस तरीके से आपको इशू की जाएगी उस टाइम पर एग्जाम में। तो ये गाइस इस तरीके से आपको फिल करना है। बाकी आपको मैंने बता दिया सर्कल किस तरीके से फिल करने हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो एक फिल करना है, एक ही फिल करना है, दो करोगे तो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, और गैप नहीं होगा बीच में, इन बिटवीन, तो आपको उस तरीके से करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे पेपर स्टार्ट कर सकते हो। पेपर 2 पेपर 1 दोनों ही आप कोई भी फिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर 1 से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर है, मेरे अकॉर्डिंग पेपर 1 से ही आपको करना चाहिए स्टार्ट। और इसके अलावा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, टाइम जिस क्वेश्चन में टाइम लगे उसको बाद के लिए छोड़ दो, और सर्कल आप साथ के साथ फिल करें या बाद में फिल करें उसके लिए भी आपको सोचना है कि आपकी स्पीड कैसी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लगता है कि मैं कर लूंगा पेपर टाइम से, तो आप बाद में कर सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग से ही करो, हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन हो गया उसको कर दो मार्क, आगे बढ़ते जाओ, इस तरीके से करो ज़्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन कर लिया उसका मार्क कर दो, फिर दूसरा क्वेश्चन कर लिया उसको मार्क कर दो, इस तरीके से करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं कितना टाइम बचे, पता लगे आपने क्वेश्चन पेपर तो पूरा सॉल्व कर लिया, ओएमआरसीट में एक भी फिल नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा फिर, तो इसलिए साथ के साथ फिल करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ जो कि मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप चीटिंग कर सकते हो, आपके जो आगे बच्चा बैठा हुआ है उसका पेपर 1 और आपका पेपर 1 सेम होगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। पेपर जो आपके आगे बैठा है बच्चा, उसका और आपका पेपर दोनों के जो क्वेश्चन है उसमें सफलिंग होती है, मतलब उसका क्वेश्चन 1 जो है, हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन 1 है वो सपोज करो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर है, लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर हो, तो इसलिए चीटिंग का बिल्कुल भी ना सोचें। उससे ये नहीं पूछें कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन 1 अलग होगा, आपका क्वेश्चन 1 अलग होगा, क्वेश्चन की सफलिंग होती है, मतलब जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, तो इस तरीके से सफलिंग होती है। और इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरीके से कोड होता है, JPQR इस तरीके से कोड होंगे, तो ये क्यों कोड क्यों होते हैं, क्यों कोड इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो आपकी जो MR शीट है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि चीटिंग भी अगर करें तो, मतलब ऐसे तो करनी नहीं है, लेकिन करें भी तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो है अलग अलग हो सकते हैं, सफलिंग हो सकती है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब होता ही है, तभी यहाँ पर आपकी जो है एक बुकलेट बनाई जाती है अलग अलग ABCD करके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमने एग्जाम टारगेटेड अभी 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है हमने कि कंप्लीट कंटेंट, ऑल 10 यूनिट्स का जो कंप्लीट कंटेंट है A to Z आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर्स की जो लेंथ है हमने 40 40 मिनट्स के आसपास की रखी है, और अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटे देते हो तो कंप्लीट कंटेंट आप 30 डेज में कवर कर लोगे। इनफैक्ट आपको रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा, क्या कुछ मिलेगा, पेपर 1 का 30 डेज के कोर्स के अलावा 2 मंथ का कोर्स भी अपने स्टार्ट किया हुआ है, अभी वो भी चल रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो आपकी OMR शीट है इसको मैं अपने ऐप में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप हमारी ऐप में ऐप को इंस्टॉल करके आप इस OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, और इसका प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, इसका प्रिंट आउट निकाल के एक दो बार फिल करके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहां पर मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमारी जो ऐप है वो एग्जाम मेंटर में बता दूंगा अभी आपको कहाँ से करना है आपको डाउनलोड। यहाँ पर जो एग्जाम मेंटोर ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 के अलावा मैंने यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज भी स्टार्ट कर रखे हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और गाइज देखो मैंने कंप्लीट कंटेंट को बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेटर सीरीज पार्ट 1 लेटर सीरीज पार्ट 2 करके, पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि किस तरीके से होती है लेटर सीरीज, पार्ट 2 में मैंने आपको एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई दी है, तो इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप कंप्लीट कंटेंट इजिली कवर कर लें।
So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ताकि सभी को पता चले किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.